अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 201 के लेसन नंबर 38 को। देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है, लैंग्वेज रिव्यू। उसके बाद आउटलाइन क्या है, वर्ड्स एंड पंक्चुएशन, एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज, वेग लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, टेक्निकल टर्म्स, बायस्ड लैंग्वेज, सेक्सिस्ट लैंग्वेज, उसमें सब टाइप्स के हैं, एजेस लैंग्वेज, लैंग्वेज बायस्ड अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज, एथनिकली एंड रेशियली बायस्ड लैंग्वेज, पंक्चुएशन, पीरियड्स, कॉमास, उसमें आगे सब हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, joining independent clauses, elements in a series, coordinate modifiers, non-restrictive modifiers, parenthetic elements, elliptical constructions, specialized uses of commas, superfluous commas, placement of commas with other punctuation. उसके बाद आपकी फर्स्ट हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लैंग्वेज। इसमें क्या है कि आपने जब भी कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज या कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो आपने उसको क्लैरिटी के साथ शो करवाना होता है विद अ स्पेसिफिक कंसिस्ट वर्ड्स के साथ, ठीक है, कि आप अच्छे स्पेसिफिक वर्ड्स चूज करके आप अपनी बात मुकम्मल करते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट और जनरल लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो क्या करेगी कि वो आपकी जो राइटिंग है उसको कन्फ्यूज कर देगी, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी। अगर आप कोई आरायशी जुमले या फिर ऐसे जुमले जो कि क्लियर मीनिंग नहीं देते वो यूज करेंगे तो वो आपकी बात को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं करेंगे बल्कि उसको कन्फ्यूज कर देंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या चाहिए करना कि आपको क्लियर और कंसिस्ट स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने चाहिए जो कि लोगों को इजीली समझ आ सके। उसके बाद क्या, वेग लैंग्वेज। वेग लैंग्वेज क्या होता है, वेग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वेग क्या होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर या गोल मोल करके या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करके अगर आपने कुछ यूज़ किया है तो उसको हम वेग की सेंस में लेते हैं। यानी अगर आपने किसी चीज़ को डिटेल भी दी लेकिन ऐसी डिटेल दी कि जिसमें आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि आपकी ऑडियंस की मेंटेलिटी लेवल से मैच नहीं करते या फिर उनको समझ नहीं आ रहे तो वो क्या होगा, आपकी जो बात है या आपकी जो राइटिंग है उसको सस्पिशियस कर देंगे, यानी उसको कन्फ्यूज कर देंगे और वो आपका जो पॉइंट है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आ सकेगा। उसके बाद क्या है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या होती है कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं जो जिनका इस्तेमाल यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, जिन आप कह सकते हैं इसमें आप आरायशी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डिनरी का बेसिकली मतलब होता है आरायशी, मतलब आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए जो कि सिर्फ शो हो रहे हैं कि वो वर्ड्स हैं लेकिन वो अपने मीनिंग्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें क्या पॉइंट है कि आप अपने जो वर्ड्स हैं उनको ईजी रखें, डायरेक्ट रखें, ठीक है। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो सिर्फ अपनी अपने लिए, आप खुद के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे लोगों के लिए यूज़ करेंगे तो वो उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके मेन पॉइंट से, यानी उनको उस बात की समझ नहीं आएगी। उसके बाद क्या, टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं, किसी भी राइटिंग के लिए, इंग्लिश के लिए स्पेशली टेक्निकल टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। अगर आप कोई साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कोई फील्ड में, कोई रिपोर्ट राइटिंग में, कुछ भी आप इस तरह के यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छी टिपिकली स्पेशली वोकैबुलरी चाहिए होती है और उसके साथ आपको इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना होता है कि आपने क्या टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है, यानी कि आप जो पंक्चुएशन, जो ग्रामर यूज़ करते हैं उसको आपने किस लेवल पे यूज़ करना है और कितनी एक्यूरेसी के साथ उसको आपने यूज़ करना है ताकि आपकी बात, आपके जो क्लॉजेज हैं, आपके सेंटेंसेज हैं वो ईजिली समझ आ सकते। उसके बाद क्या, बायस लैंग्वेज। बायस लैंग्वेज क्या होती है, होती है जो आप किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर उसमें कोई क्रिटिसिज्म आप यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेशली आप क्रिटिसिज्म यूज़ करने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिकली जेंडर, एज या फिजिकल एबिलिटी के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है, अपना एथिकल या फिर एथनिकल या फिर अपना रैशनल बिहेवियर आप शो करते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, ये एजेस लैंग्वेज, आप एज के हिसाब से इसमें लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर आप लोगों की डिसेबिलिटीज़ के खिलाफ यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर वो आपकी किसी एथनिकली और रेशियली बेस्ड लैंग्वेज होती है जो आप किसी नस्ल के लिए या फिर आप किसी स्पेशल फैमिली के लिए, खानदान के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, ऐसे हेल्पिंग वर्ड होते हैं जो आपके जुमलों को क्लियर करते हैं, ठीक है, क्लॉजेस को, सेंटेंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, दिखाते हैं कि ये एक दूसरे के साथ कैसे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने पंक्चुएशन अच्छे तरीके से यूज़ की तो वो आपको सेंटेंस को अप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उसको इन्हेंस करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स कौन से होते हैं, पीरियड्स, कॉमास, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, अपोस्ट्रोफिस, क्वेश्चन मार्क्स, हाइफेंस, डैशेस, पैरेंथेसिस और उसके बाद है ब्रैकेट्स। पीरियड्स क्या होता है, बेसिकली ये होता है डॉट जो आप पॉइंट यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के आखिर में, उस वो क्या होता है, उसको पीरियड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके सेंटेंस को एक क्लियर सेंस देता है। अगर आपने एक सेंटेंस लिख दिया और उसके एंड पे ये यूज़ ना किया तो वो क्या होता है, आपके सेंटेंस को इनकम्प्लीट शो करता है, ठीक है। आप जहाँ पे आप यूज़ करते हैं इस मार्क को तो ये आपके सेंटेंस को एक क्लियर सेंस देता है, उसको वहाँ पे कंप्लीट शो कर देता है कि यहाँ पे ये जो एक जुमला आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको यूजेस दिखाए हुए हैं
कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी आप फिक्रे के बीच में अगर यूज़ करें, दो फिक्रों के बिटवीन यूज़ करें, तो आपने उसको कैसे यूज़ करना है, एक सेंटेंस को कहाँ पे ख़त्म करना है। अगर आप सेंटेंस को एक बड़ा सेंटेंस सिखा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपने कॉमा से पहले उसको रिलेट करना होता है, फिर उसमें आपने इस पॉइंट का यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर आप किसी सेंटेंस में पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स हैं जो आप मैथमेटिकली भी पढ़ते हैं, छोटी ब्रैकेट्स या बड़ी ब्रैकेट्स, वो यूज़ करें, तो उसके बीच में भी अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आपको ये पॉइंट यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद क्या है कॉमास, कॉमास क्या होते हैं, आपने यूज़ करने होते हैं अपनी राइटिंग को क्लियर शो करने के लिए, ठीक है। अगर आप दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कॉमा का यूज़ करना पड़ता है, ताकि आप बता सकें कि एक सेंटेंस किस तरह डिपेंडेंट है दूसरे सेंटेंस पे। लेकिन अगर आपने कॉमा ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ कर दिया जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको चेंज कर देगा, उसको ग्रामेटिकली रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद क्या है इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन के तौर पर यूज़ करने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन राइटिंग में आप इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं ना, टू दी प्रिंसिपल, तो उसमें आपने देखा होगा कि कहीं जहाँ पे कॉमा आता है उसका क्या मतलब होता है कि बात अभी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई, ठीक है। कि आपने इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स पे जहाँ पे कॉमा यूज़ किया कि उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज अभी आ रहा है, ठीक है। और ये क्या शो करता है कि आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसके बाद आपका मेन क्लॉज या मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये क्या होते हैं जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं उसके बाद आपने कॉमा प्लेस करना होता है अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए या फिर अपने सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने के लिए। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्लॉज भी वही है कि अगर आपने एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यूज़ किया है तो आप क्या करते हैं उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं ताकि आपने दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट कर सकें। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। कि अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करें किसी कंजंक्शन से या किसी हेल्पिंग वर्ड से किसी सपोर्टिव वर्ड से, तो उसमें भी आपको कॉमा यूज़ करना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने ही आप जो इसकी डेफिनेशन दी है या इसको एक्सप्लेन किया, उधर ही उन्होंने एक पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज तक उन्होंने आपको एक पॉइंट से क्लियर कर दिया। उसके बाद हाउएवर एक सपोर्टिव वर्ड कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग वर्ड उन्होंने यूज़ किया, उसके बाद उन्होंने कॉमा यूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस आपको यूज़ करके दिखा दिया, लेकिन इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर आपका सेंटेंस शॉर्ट है, ठीक है, और क्लियर है और रिलेटेड भी है एक दूसरे से, तो वहाँ पे आपको कॉमा ज़रूर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप उसको ओमिट कर दें यानी उसको ख़त्म कर दें। उसके बाद क्या एलिमेंट्स इन अ सीरीज, कि अगर आप एक सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें आप आइटम्स शो कर रहे हैं तो उसमें भी आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं उसमें एक आपने चीज़ दिखाई, मतलब दो तीन चीज़ों के आपने नाम लिए, तो उसमें आप कॉमा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके सेंटेंस को वैसे ही क्लियर करिए, जैसे हाउएवर व्हाटएवर इस तरह के वर्ड्स देयरफॉर वगैरह, तो अगर उसमें वहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है तो वो अननेसेसरी होगा, आप उसको यूज़ नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको वहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे तो वो आपके सेंटेंस को कंफ्यूज कर देगा और ग्रामेटिकल आपको वो एरर दिखाएगा। उसके बाद क्या कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स, कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स क्या होते हैं, दो जुमलों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेट करते हैं, जैसे बिटवीन हो गया, एंड हो गया, ये सब कोऑर्डिनेट मॉडिफायर्स हैं। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो समटाइम इनके दरमियान में कॉमा यूज़ होता है नेक्स्ट सेंटेंस के क्लियर करने के लिए या नेक्स्ट मॉडिफायर को क्लियर करने के लिए। जैसे इधर ही उन्होंने इसकी एग्जांपल में या इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको बताया हुआ कि आप इसमें कॉमा कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं इफ़ द डिस्क्रिप्शन स्टिल मेक सेंस, कि अगर डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सेंस बना रही है देन द, फिर यहाँ पे कॉमा आ गया, फिर देन आपका मॉडिफायर हो गया देन द, यहाँ पे मॉडिफायर देन है, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है, देन द मॉडिफायर आर कोऑर्डिनेट, तो मॉडिफायर जो है वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ये मतलब इसी में ही आपको इसकी एक एग्जांपल मिल जाएगी, लेकिन बाज़ दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो आपको वहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं करना पड़ता। उसके बाद क्या नॉन रिस्पेक्टिव मॉडिफायर्स क्या होते हैं, यहाँ पे कॉमा यूज़ किया जाता है नॉन रिस्पेक्टिव मॉडिफायर्स को सेट करने के लिए, ठीक है, जो अपनी सेंस अच्छी तरह क्लियर नहीं करते या फिर वो एक इस्टेब्लिश सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। इसको बाज़ दफ़ा नॉन रिस्पेक्टिव मॉडिफायर्स क्या होता है विच होता है, जो कि यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए या फिर उसको शो करने के लिए। जैसे उन्होंने इसी एग्जाम्पल में आपको यूज़ भी करके दिखाया हुआ है कि नॉन रिस्पेक्टिव मॉडिफायर इज़ यूजली इंट्रोड्यूस बाय विच, ठीक है, विच से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है, उसको फुली रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वही बात की बाज़ दफ़ा इसको यूज़ करना इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मॉडिफायर समटाइम खुद ही मीनिंग को क्लियर कर देता है किसी भी जुमले को, किसी भी चीज़ को जब सपोर्ट करता है मॉडिफायर तो उसको वैसे ही क्लियर सेंस में प्रेजेंट कर देता है। उसके बाद क्या आपका आ गया पैरेंथेटिक एलिमेंट्स, पैरेंथेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपके ब्रैकेट्स में वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनको
एक एक्स्ट्रा लुक देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस कोट करके दिखाऊंगी कि माय फ्रेंड इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, ठीक है। अब माय फ्रेंड तो आ गया, अब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, अगर आपने ब्रैकेट्स में नाम दे दिया कि माय फ्रेंड ज़ारा या माय फ्रेंड कोई भी नाम आपने दे दिया, तो वो क्या आ गया, वो आपका पैरेंथेटिक एलिमेंट हो गया, यानी उसने आपके फ्रेंड को क्लियर कर दिया कि आपका ये वाला फ्रेंड जो है वो नेक्स्ट बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। माय फ्रेंड आपने ब्रैकेट में दे दिया ज़ारा, और आगे आपका वही सेंटेंस आ गया कि इज ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, स्पेशलाइज्ड यूज ऑफ कॉमास। स्पेशलाइज्ड यूजेस ऑफ कॉमास होते हैं जो कि आपके किसी न्यूमेरिकल डाटा में आ गए, किसी डिजिट्स में आ गए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स में आ गए, तो वो आपके क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कॉमास होते हैं। जैसे आपने बहुत ज़्यादा एक बड़े फिगर को शो करवाया है तो आपने उसमें एक कॉमा ऐड कर दिया, जैसे इन्होंने आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। उसके बाद क्या आ गया, मेमोराइजेशन सुपर फ्लॉस कॉमास। मेमोराइजेशन सुपर फ्लॉस कॉमास क्या होता है, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा शो करना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि आप अगर दो क्लॉजेज यूज़ कर रहे हैं तो आप तब तक उसमें कॉमा यूज़ ना करें जबकि आपको ये ना लग रहा हो कि पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे को कॉमा लगाए बगैर क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक फर्स्ट सेंटेंस आपका नेक्स्ट जो क्लॉज है उसको क्लियर कर रहा है बगैर कॉमा के, तो उसमें आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर दो चीज़ें अलग-अलग हैं, मतलब सेपरेट हैं दो क्लॉज, मेन क्लॉज आपका सेकंड होता है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट क्लॉज है वो डिपेंडेंट है सेकंड क्लॉज पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दरमियान में कॉमा को ज़रूर यूज़ उसमें किया जाएगा ताकि एक बात जो है वो दूसरी बात को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। उसके बाद क्या, प्लेसमेंट ऑफ कॉमास विद अदर पंक्चुएशंस, ठीक है, कि आप अदर पंक्चुएशंस में भी कॉमा को यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने ब्रैकेट में कोई चीज़ यूज़ की है या फिर आपने क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, कुछ भी आपने पंक्चुएशन यूज़ की है तो उसके बाद आपको सम टाइम कॉमा देना पड़ता है, लेकिन वो भी नेसेसरी बेसिस पे, क्योंकि दो पंक्चुएशन मार्क्स भी आपके ग्रामेटिकल एरर को दिखा सकते हैं। तो ये आपके टेक्निकल थोड़ी सी आप लेक्चर्स आ रहे हैं, इंग्लिश बी पे आपका ये सारा मुझे लग रहा है नेक्स्ट पे बेस है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझें क्योंकि इसकी एग्जांपल आपको आ सकती हैं क्वेश्चन में। आपका जो फर्स्ट पार्ट था उससे आपको प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, इंग्लिश का असाइनमेंट, तो बेसिकली आप रिलाई कर सकते हैं इस बात पे कि आपका जो पेपर होगा वो लास्ट के लेक्चर में से थोड़ा सा आ सकता है, यानी टेक्निकली इसमें से ज़्यादा आ सकता है क्योंकि ये आपका बी पार्ट शुरू हो रहा है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझें, एक एक एग्जांपल को अपने माइंड में ज़रूर रखें। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो आपके पास कोई ग्रामर की बुक, कोई भी हेल्पिंग बुक पड़ी है तो वहाँ से कोई इजीली कोई भी आप जो छोटी सी एग्जांपल है आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं अपनी सेंस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे दीजिए ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।